Hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alyssa. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडल्ट रैबिट्स की डाइट के बारे में। अगर आपका रैबिट 5 मंथ से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बेबी रैबिट की डाइट की फुल इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेन कर सकते हैं। एडल्ट रैबिट्स के लिए जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फ्रेश वाटर। रैबिट्स के पास 24 आवर्स फ्रेश वाटर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे रैबिट्स पानी गिरा देते हैं, इसलिए आपको हैवी ग्रिप वाले बोल्स यूज़ करने चाहिए जो कैट्स और डॉग्स के लिए यूज़ होते हैं। रैबिट एक स्मॉल ब्रीड की डॉग जितना पानी पीता है, इसलिए फ्रेश वाटर उसके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है ग्रास हे। हे रैबिट्स की डाइट का 80% पार्ट होता है। हे सूखी घास को कहते हैं। एडल्ट रैबिट्स के लिए आप तिमोथी हे, ऑर्चिड हे, मिडो हे, ओट्स हे दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब। अदरवाइज आप जो सिंपल बरमूडा हे होती है, ग्रास होती है, उसे दुब घास भी कहते हैं, आप उसे ड्राई करके दे सकते हैं। रैबिट्स के टीथ लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं और हे उनकी ट्रिमिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रैबिट्स को 80% हे देते हैं तो वो एक अच्छी गोल्डन ब्राउन पूप करते हैं। ये उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेफ ग्रीन वेजिटेबल्स आप रैबिट को 10% दे सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स के पील्स और सीड्स को रिमूव करके आपको रैबिट्स को देना चाहिए। आप बस रैबिट्स को सेफ वेजिटेबल्स ही दे सकते हैं। आपको सुबह में 1 कटोरी और शाम को 1 कटोरी रैबिट्स को ग्रीन वेजिटेबल्स देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको रैबिट्स के लिए एज अ ट्रीट यूज़ करनी चाहिए। ये रैबिट्स की डाइट का बस 5% होता है। जो भी सेफ फ्रूट्स हैं रैबिट के लिए आप उसके पील्स और सीड्स रिमूव करके दे सकते हैं। कोई भी फ्रूट हो आपको बस उसका 1 पीस हफ्ते में 3 या 4 बार ही देना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपको अच्छे से वॉश करके आपको रैबिट्स को देना चाहिए, जिससे उसमें अगर कोई पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हों तो वो धुल जाएँ। नेक्स्ट, पेलेट्स। रैबिट्स को आप सेफ पेलेट्स दे सकते हैं। ये उनकी डाइट का 5% पार्ट है। अगर आप पेलेट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे 1 small bowl एवरी डे पर रैबिट दे सकते हैं। अगर आप पेलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका रैबिट अच्छी क्वांटिटी में हे खाता है तो पेलेट्स ना देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन फूड जैसे रोटी, चावल, अगर आप ये सब रैबिट्स को दे रहे हैं तो समझिए कि आप उन्हें जहर खिला रहे हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया है कि रैबिट्स की प्रॉपर डाइट क्या होती है और क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट्स में बताइए कि हम किस किस टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।